भैया कब से आ रहे हो यहाँ पे चाट खाने आप? 35 साल तो हो गए जी। 35 साल मतलब आप छोटे से थे तब से खा रहे हो यहाँ पे चाट? छोटे से तो नहीं, मैं 70 साल का होने वाला हूँ। ये चाट ना आप खा के जवान भी रह सकते जवान भी रह सकते हो भाई। दिलशाद गार्डन में, और दिलशाद गार्डन में उस दुकान पे आपको लगाए, पहले तो रौनक दिखा देता हूँ। रौनक देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी फेमस चाट की दुकान है दिलशाद गार्डन की। मृगनैनी चौक पे है, मिलवाते भी हैं आपको और दिखाते भी आपको इस दुकान पे क्या क्या अंकल की मिलता है। अंकल नमस्कार। अरे नमस्कार, कैसे हो सरकार? बढ़िया। हाँ, नोट गिनने में व्यस्त हो? नोट गिनने में व्यस्त हो? हाँ गिनने हो, नोटों की तो माया है सारी। आपका नाम बता दीजिए मेरे को। मेरा नाम महावीर यादव है भैया। तो आप ही के नाम से है ये? हाँ जी हाँ जी। जो दिलशाद गार्डन में आप फेमस चाट खिला रहे हो इतने सालों से, तो ये टिक्की है, पाव भाजी है, गोलगप्पे, अगर आपको चाट खानी है ना तो महावीर अंकल से फेमस कोई नहीं। अंकल कितने साल हो गए अपने को यहाँ पे? मेरे को 38 साल हो गए। 38 साल? 38 साल। तो 38 सालों से ये जायका आप चाट का दिलशाद गार्डन वालों को खिला रहे हो? सर ये बराबर चलता रहेगा। बराबर चलता रहेगा। और ये टाइम क्या अपनी काट का? टाइम रहता है 3 से, दुकान का रहता है 11 से 11। 11 से 11। और क्या क्या होता है अपने पास? वैसे मेरे पास चीला होता है, मुंगलेट होता है, रात कचौरी होती है, लट्ठा लच्छा टोकरी होती है, कांटी रोल होता है, कांटी कबाब होता है। क्या बात है, मतलब इतनी सी काट पे आपने ये सारी चीजें चाट वाली लगा रखी है। हाँ बेटा, फिर आगे आ जाओ, आलू चाट है, आलू चाट है, चाट है, अच्छा भल्ले पापड़ी चाट है। लोकेशन क्या पड़ती है हमारी? दिलशाद गार्डन भाजी, मृगनैनी चौक। मृगनैनी चौक। हाँ जी। और मैंने सुना आपने अब दुकान भी बना ली है अपनी? हाँ सर, हाँ सर। अंकल की एक दुकान भी सामने बन गई है जहाँ बैठ के भी आप सेम ये सारी चाट का आनंद ले सकते हो। बाकी अंकल से भी लेते हैं, अलावा दिखाते हैं यहाँ की प्रिपरेशन भी आपको क्या क्या मिलता है। चलिए शुक्रिया अंकल बात करने का। धन्यवाद। ये अंकल का ना बन टिक्की बर्गर भी बहुत फेमस है यहाँ पे। बाकी ईस्ट दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, जो नॉर्मल फ्राइड बर्गर होता है ना, इसका स्वाद ही अलग आता है। तो ये बनाने में तो आप सबको पता है, ये जो बन टिक्की बर्गर का जो स्वाद ये देसी तरीके में आता है ना, ये बन टिक्की बर्गर का स्वाद आपको ना मैकडॉनल्ड्स जैसी जगह पे भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्वाद ना बचपन से हमारे ज़बान पे चढ़ा हुआ है। हरी चटनी और आगे टिक्कियाँ, ऊपर प्याज टमाटर खीरा, एकदम साफ़ सुथरा सेटअप है। स्ट्रीट फूड में ना कई वजह से आपको गुंजाइश रहती है कि सेटअप में सफाई है कि नहीं है, बट जो सफाई आपको इस सेटअप पे दिखेगी ना, मैं अंदर से इसमें दिखा रहा हूँ, सेटअप पे सफाई भी बहुत अच्छी है। और ये ऊपर आ गया जी पनीर का पीस। डबल टिक्की वाला भी होता है, सिंगल टिक्की वाला भी होता है ना आपका? डबल टिक्की का होता है। अच्छा, ये डबल टिक्की का है, वो टिक्की आपको मोटी दिखेगी। एक डबल टिक्की, एक सिंगल टिक्की है। डबल टिक्की का होता है। और ये डबल टिक्की और सिंगल टिक्की का प्राइस क्या रहता है अपना? डबल टिक्की वाला 50 रुपये का है जी, और छोटा 30 का, एकदम नॉमिनल प्राइस, जिसमें आपका पनीर का पीस, टिक्की, टमाटर, वैरायटी आपको यहाँ चाट की मिलती है, पाव भाजी, टिक्की, सब कुछ आपको दिखाया। अभी पाव भाजी की प्लेट्स लग रही हैं आपकी, देखो। और एकदम ये मक्खन में सिके हुए पाव है और साथ में जाएगी भाजी। चाट खाने के शौकीन है तो आप ये नाम नोट कर लीजिए, महावीर चाट भंडार दिलशाद गार्डन में मृगनैनी चौक के पास। प्लेट लगा दियो। क्या देना? पाव भाजी तो आया, 2 प्लेट पाव भाजी हो गई है तैयार, और जाएगा मक्खन। बाकी जब बात चाट की और गोलगप्पे की ना हो, गोलगप्पे में एक ही पानी होता है ना भैया अपने पास? दुकान पे दो होते हैं। अच्छा, दुकान पे दो होता है, यहाँ एक होता है। फेमस है अंकल ये, मतलब बचपन से आ रहे हैं लोग, देखो अंकल के गोल गप्पों के चटकारे लेने। मेरी वाइफ भी एक्चुअली बचपन से यहाँ से खा रही है, वही मेरे को लेके आई है कि आज आपको गोलगप्पे खिलाते हैं दिलशाद गार्डन। लो जी गोलगप्पे भी आपको दिखा दिए, अपने लिए लगवा लेते हैं। क्या बात है, गर्मा गर्म टिक्की, अंदर पिट्ठी आपको दिखाई दी, तो स्टफ्ड है टिक्की पूरी, ऐसा नहीं है कि खाली टिक्की टिक्की है, अंदर मटर पनीर और मूंग की दाल की पिट्ठी जाती है, एकदम बढ़िया। ऊपर से आ गए मसाले, भुना हुआ जीरा। ऊपर से सर्दी है, सर्दी में गर्मा गर्म चाट खाने का मज़ा ही अलग है, बट लोग सर्दियों में गोलगप्पे भी नहीं छोड़ते, क्या जितना मर्जी ठंडा पानी हो। इधर आ गई दही चटनी, आ गई हमारी हरे वाली, इसके बाद जाएगी लाल चटनी, और ऊपर जाएगी हल्की सी सेव और अनार के दाने।
तो टिक्की की प्लेट हमारी तैयार है, लेते हैं जी इसका आनंद। बाकी चीज़ें आपको दिखाई थी और ये टेस्टिंग के लिए लगवाई है मैंने, तो थैंक यू अंकल। तो टिक्की की प्लेट हमारी तैयार है जी। तो कहते हैं जी अगर आप दिलशाद गार्डन रहते हो और महावीर अंकल की अगर आपने चाट नहीं खाई ना तो आप चटोरे नहीं हो। तो यहाँ की अगर आप चाट खाओगे ना उसके बाद आपको खिताब मिलेगा चटोरे होने का, क्योंकि सबसे बेहतरीन चाट है महावीर अंकल की दिलशाद गार्डन में मृगनैनी चौक पे। ईस्ट दिल्ली की सबसे फेमस चाट की दुकान है लगभग 40 साल से। मेकिंग मैंने आपको दिखाई थी पाव भाजी की, टिक्की की, गोलगप्पे की, टिक्की का जायका ले रहा हूँ, बहुत मज़ेदार है, अंदर की स्टफिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। अगर आपको बढ़िया चाट खानी है, ईस्ट दिल्ली में हो, दिलशाद गार्डन के आसपास हो, तो सीधा आ जाओ महावीर अंकल के पास। बच्चों जैसा प्यार देते हैं अंकल सबको, आपको भी वही प्यार मिलेगा और बेहतरीन जायका मिलेगा यहाँ आकर। बाकी मैं अब आपसे लेता हूँ इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए, आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर्स से।